इवनिंग गाइस, हम लोग मार्केट में ना थोड़ा सा सामान लेने जा रहे हैं और टाइम नज़दीक आ रहा है। बस कितने दिन की बात है? दो दिन की बात है। सिद्धू कितने दिन की बात है? सिद्धू दो दिन की बात है ना, और हम लोग जा रहे हैं सामान लेने। मम्मी चलो जल्दी बैठो, मम्मी आज ना ऑफिस से जल्दी आ गए। क्या करोगे? हाँ मम्मी बैठो। आगे कौन बैठेगा इस सीट पे? यहाँ पे सीट पे कौन बैठेगा? आगे सिद्धू बैठेगा, यहाँ कौन बैठेगा? स्टार्टिंग में मुझे ले चलो, मैं चलूँ आपके साथ? अच्छी बात है। हाँ अच्छी मतलब चलो। हाँ नानी, नानी कहाँ बैठेंगे? पीछे। आगे कौन बैठेगा? सिद्धू आगे कौन बैठेगा? यहाँ पे चिद्धू बैठेगा। यहाँ पे नानी कहाँ बैठेंगे? सिद्धू। प्रीति कहाँ बैठेगी? उधर पीछे। आगे कौन कौन बैठेगा? मम्मी देखो ये साइलेंट है, ये साइलेंट है, ये भी अच्छे हैं बट ये बहुत वो है, आवाज बहुत ज्यादा आवाज। तो फिर उन्हें कोई पूछ के किधर नहीं पसंद निकलेगा नहीं इसके गले। मार्केट गए थे तो मैंने नए सैंडल लिए, ये इस कलर में। तो पहले मैं ब्लैक पहनता था लेकिन मैंने सोचा कि इस बार कलर चेंज करके लेते हैं, और मैंने कम से कम भी 3 या 4 साल के बाद सैंडल लिए। पहले मेरे पास सैंडल नहीं थे। बस इंतज़ार की घड़ियाँ धीरे धीरे कम हो रही है, तो मैंने अपना सामान पैक कर लेता हूँ। बाकी सब लोग गाड़ी में आएंगे कुरियर के साथ, और मैं तो हमने सारी पैकिंग कर ली है। मैंने अपना सामान और जो लड़की का सामान है अंजल का, वो सारा सामान पैक कर लिया। मुझे सारा सामान मिल गया है टैक्सी में, और ये ड्राई फ्रूट की है, और ये ड्राई फ्रूट की ट्रे, तो ये सारा सामान हमारा है। एक बार मैं इसको कंफर्म कर दूँगा सुबह जाते टाइम, अभी टैक्सी को बंद करके रख दूँगा। सुबह जब हम निकलेंगे ना, उससे पहले एक बार फिर से याद कर लूँ, कुछ रहता तो नहीं है। ऐसे तो रात को याद आ जाएगा अगर कुछ रहता हुआ। गाड़ी यहाँ आके खड़ी हो गई है, और हमारी गाड़ी भी तैयार है, सामान भी तैयार है। मॉर्निंग गाइस, आज बहुत सौभाग्य वाला दिन है कि हम लोग जा रहे हैं शगुन के काम को, तो सब लोग तैयार है, सब लोग खुश है, और बस एक एक रिश्तेदार को साथ में गाड़ी में बैठाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। हो गए तैयार? मम्मी सुबह 5 बजे से उठ, 5 बजे उठे ना? मम्मी को बड़ा शौक चढ़ा। क्यों टेंशन? हाँ मम्मी ने मेरे को भी उठा लिया, पर मैंने अलार्म लगा रखा था। ऐसे तो मेरे को कॉल भी आ गई थी अंजल की कि उठ गए हो कि नहीं। बंदे को डर होता है ना कि उठे हैं नहीं, लेकिन मैं उठ जाता जबकि जाना होता ना, तब मेरे को जल्दी उठने का आता है। और ये मैंने पहन रखे हैं नए नए कपड़े, नए नए। चले अब चलते हैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने। तो हमारे सिद्धू भी जल्दी उठ गए हैं ना। किसकी गाड़ी में जाओगे? हाँ जी के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके, भगवान का आशीर्वाद लेके शुभ काम करने जा रहे हैं, और पापा और दादाजी हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हमारे साथ है। तो उन कोई भी शुभ काम करना है तो उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलता। और हमारे बुआ जी दिल्ली वाले, उन्होंने स्पेशल बोला, और नहीं आ पाए उनके आँख का ऑपरेशन रखा है, उन्होंने स्पेशल बोला कि पिताजी को और अपने पापा को और पितरों को जरूर पैर हाथ लगा के जाना है। जल्दी आ जाओ, इतनी देर होगी ताई को बोले हुए। ताया जी तो निकल गए, वो हमें मार्केट में मिलेंगे, लेकिन ताई ने लेट करवा दी थोड़ा सा। रज्जू आज ताई जीती सब लोग तैयार होकर निकल गए। मेरे को ऐसा हो रहा है कि जल्दी से जल्दी निकल जाए वहाँ पे, टाइम से पहुँचे, क्योंकि दूर का सफ़र है, लंबा सफ़र है। जितना जल्दी पहुँचेगा उतना अच्छा रहेगा, भाई सब कुछ जल्दबाजी में होगा फिर वो ठीक नहीं होता। मेरी गाड़ी मैं अभी खुद ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे साथ सौरभ भी जाएंगे, वहाँ ऊपर मार्केट में हमारे दुकान के पास खड़े हैं, तो उनको वहाँ चलेंगे। और बाकी सब लोग टेम्पो ट्रैवलर में या प्रियदेवी की गाड़ी में, और मेरी गाड़ी में जाएंगे, हम 3 गाड़ी लेकर के जाएंगे। तो टाइम से निकले हम, 7:20 हुए, तो उम्मीद है कि हम लोग 8 बजे अपने नान के, मासियाँ, मामे सबको लेकर के 8 बजे वहाँ से निकलेंगे, और 8 से मतलब 3.5 घंटे का रास्ता है, तो
12 बजे से पहले पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। 12 बजे तक हमारा टारगेट है कि हमें पहुंचना है वहां पे। क्या हुआ मम्मी? इस साइड वो नहीं है जा रहा, इतने ना टूरिस्ट एरिया नहीं है। चलो कोई नहीं, जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना फिर चाह मंगवाई और नमकीन मंगवा ली है ना। फिर किदा आंटी खुश है? आंटी का पास देखो। सब लोगों को वेन्यू में छोड़ के अब मैं जा रहा हूँ अंचल को लेने, और मेरे को अपनी ड्रेस चेंज करनी है। तो पहले अपनी ड्रेस चेंज करूँगा और फिर अंचल को लेके आऊँगा। मेरे को अंचल स्पेशल वर्क मेरे को लेने आ रहा है, तो उसको लेने जा रहा हूँ। और उन्होंने पार्लर की लोकेशन लगा रखी है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही है कि सब कुछ पहली बार है, नया नया है और खुद सब करना है तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। हमने फ्रूट की टोकरी बनानी थी, तो अभी टोकरी बनाने के लिए बोला है भरजी जी को और दूसरे हमारे ताई जी के जवाई है उनको कि आप लोग फ्रूट की टोकरी बना देना, बाकी डिब्बे वगैरह सब कुछ हमने ले रखा है। सामान भी मेरे पास गाड़ी में पड़ा है, मम्मी मेरे को फ़ोन करेंगे, देखना मम्मी ज़रूर फ़ोन करके पूछेंगे सामान कहाँ है। तो सारा सामान मेरे पास गाड़ी में पड़ा है, जब वहाँ भी पहुँच जाऊँगा तब उस टाइम पे ही निकालूंगा उसको टैची को और किसी के हैंड ओवर कर दूंगा, ताकि उस टाइम पे ये ना हो कि आवाज़ लगानी पड़ेगी वो सामान कहाँ है वो कहाँ है, तो फिर एक दूसरे को पूछते सब। इसलिए किसी एक बंदे के पास पर्टिकुलर कर दूंगा सारा सामान। तो फिर कैमरे ऑन थोड़ा मना करूँगा आपको क्या गिर गई फिर? अभी तो एंगेजमेंट भी नहीं हुई, होने का जाना खुद ही शूट हो रहा है और खुद ही हाथ हो गया। मतलब कैमरा वाला आते हैं साथ में ना, चलो वहाँ पे बोल देता हूँ किसी को ना कि हमारी वीडियो बना दे। ठीक लग रही है ड्रेस मेरी अंचल की? तो ठीक है, लेके आया कुछ पार्लर वाला तो नहीं लेके आई? रुक जा आऊँ साइड देखना। मेरे को सभी कमेंट करेंगे कि आपको खुद बैठाना चाहिए था अंचल को, पर क्या करूँ मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ और क्या पता मैं सेल्फ ड्राइव करके आया था रास्ते तक। करो बंद फिर। गाना कौन सा लगा? इधर देखना यार, मैं इतना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब एक तो फेक खराब होगा ना, लेकिन मुझे तो ज्यादा मेकअप लग रहा है यार फोन पे। ज्यादा मेकअप लग रहा है? नहीं मैं ब्यूटी प्लस लगा रहा। कोई नहीं, लड़कियों को मेकअप ठीक लगता है इतना। चलें? ओके। मम्मा को फोन कर दिया? नहीं। करो फिर। फोन ये रखा था, ये पड़ा आगे। क्या हुआ? अच्छा मेहंदी बहुत अच्छी लगी है, देख ली मैंने, उतार दो हाथ। आज आप लोगों ने बग्गी का अंचल का फेस देख लिया। कैसे लग रही है अंचल, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। बोल दिया मैंने। ब्रावो। हाँ पीयूष चल बैठो। विकास कितने हैं? ये मतलब क्या है? इसमें जनता कुछ देखा छोड़ देने भी नहीं होगा। आधार शक्ते नमः कूर्मासनाय नमः पृथ्वी देवे नमः सर्वोपचारा तेनम तम समर्पयामि अक्षतानि पाणि पुष्पाणि शाय नमः पूजन भूमे यज्ञ भूमे नमो नमः हरि ओम आदित्य वसुमो रुद्रं विश्वे देवा मृदुगणा तिलकं ते प्रयच्छन् धर्मना पाठ सिद्धाय अक्षतुवाय नमः शरीरा उमा कहो मैं अनुभव अपना सदा हरि भजन जगत सब सपना
तो खुद सही हो जाए
लोग अभी घर पहुंचे। मम्मी खुश हो? खुश हो? पहली हाथ तो लगाता हूँ। मम्मी बोलते भगवान को मत देखो पहले आगे ना। तो जय भगवान जी, सब कुछ सही हुआ, सब कुशल मंगल हुआ। और सबको मेरी अंचल कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हमारी जोड़ी कैसी लगी ये भी बताना। चलो।